नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं नोकिया 3 के बारे में, जो कि छोटा भाई है नोकिया 5 का। नोकिया 5 छोटा भाई है नोकिया 6 का। मैं हूं सुमित, आप सभी का स्वागत है टेकिरा फॉर यू में। नोकिया ने अपने 3 स्मार्टफोन्स और एक फीचर फोन लॉन्च कर दिया MWC 2017 में। तो हम आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं नोकिया 3 के बारे में, जो कि स्मार्टफोन है। फीचर फोन तो उन्होंने 3310 लेजेंडरी जो उनका फोन था उसे लॉन्च कर दिया। तो अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ देखते हैं नोकिया 3 में, तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें एंड्रॉइड 7.0 यानी कि एंड्रॉइड नोगट आउट ऑफ द बॉक्स। इसी के साथ आपको इसमें इसमें नोकिया ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया इसके प्रोसेसर में। इसमें उन्होंने क्वालकॉम की जगह मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया है 6737, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसी के साथ आपको इसमें रैम भी कम मिलेगी, रैम आपको इसमें 2GB की देखने को मिल जाएगी। इसके साथ आपको जो डिस्प्ले में जो स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं वो कुछ इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। 5.0 यानी कि 5 इंच का आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको HD डिस्प्ले मिलेगा, यानी कि आपको फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलेगा, 720p पे आपको ये डिस्प्ले मिलेगा। इसी के साथ आपको इसमें 2.5D स्कल्प्टेड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 2650 mAh की आपको इसमें बैटरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलग अलग तरह के कलर वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सिल्वर व्हाइट, मैट ब्लैक, टेम्पर्ड ब्लू और इसी के साथ कॉपर व्हाइट, इस तरह के कुछ आपको इसमें कलर वेरिएंट देखने को मिलेंगे। और रही बात इसके स्टोरेज की, तो इसमें आपको 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जिसे कि आप बढ़ा सकते हैं अपने माइक्रोएसडी कार्ड के थ्रू 128GB तक। और इसी के साथ जो इसमें कैमरा मिलता है वो आपको 8MP का प्राइमरी, और जो सेल्फी के लिए यानी कि आपको जो फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है वो भी आपको इसमें 8MP का ही मिलेगा, जिसका कि उनकी तरफ से खबरें निकल के आई है। इसी के साथ जो इसमें आपको नेटवर्क के जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपको 4G LTE का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और जो कि 4G LTE का कैट 4 है। इसी के साथ जो आपको कनेक्टिविटी और भी अदर कनेक्टिविटी ऑप्शंस जो देखने को मिल जाते हैं, माइक्रो USB 2.0 का सपोर्ट मिल जाएगा, USB OTG, ब्लूटूथ, वाईफाई और वगैरह वगैरह, अलग अलग तरह के आपको इसमें सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग तरह के सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक्सेलेरोमीटर सेंसर, एम्बिट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, NFC वगैरह, अलग प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तरह तरह के जो बेसिक सेंसर आपको दूसरे स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाता है वो भी आपको इसी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत हो सकती है, अगर हम इंडियन रुपीज में देखें तो लगभग 10,000 रुपए के आसपास, और अगर हम इन्होंने जो प्राइस अनाउंस किया उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 9,700-800 रुपए के आसपास वो प्राइस पड़ती है। तो हो सकता है ये आपको 10,000 रुपए के आसपास इंडिया में, जब ये लॉन्च होगा, जब ये आने वाला है ग्लोबल मार्केट में, ऑलरेडी ये लॉन्च हो जाएगा, तो उसी के साथ हो सकता है इंडिया में भी ये लॉन्च हो जाए Q2 में। तो इसकी हो सकती है कीमत 10,000 रुपए के आसपास। अगर हम इसके कंपैरिजन करें तो ये कम्पीट करने वाला है इंडियन मार्केट के हिसाब से Redmi 3S Prime, Redmi 3 और इसी के साथ Lenovo के कई स्मार्टफोन से इसी प्राइस रेंज में। मगर दोस्तों देखा जाए तो इसका प्रोसेसर हो सकता है वीक क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 430 वगैरह या 431 शायद से Redmi 3S और 3S Prime वगैरह में उसके सामने कंपीट करने में थोड़ी इसकी मुश्किल होगी। और रही बात इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत एग्जैक्ट 10,000 रुपए के आसपास रखी गई है। और इसमें जो रैम आपको देखने को मिलती है और स्टोरेज, उस मामले में भी ये इसका कंपैरिजन काफी तगड़ा होने वाला है इसका कंपटीशन जो इंडिया में ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में स्मार्टफोन्स वगैरह अवेलेबल है। वो तो वक्त ही बताएगा कि ये किस तरीके से कम्पीट करने वाला, किस तरीके से इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो, ये तो वक्त ही बताएगा। और जिस तरीके से नोकिया की तरफ से कहा गया कि नोकिया के स्मार्टफोन में आपको रेगुलरली अपडेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और आपको इसमें प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, यानी कि इनका कोई ऐसा जैसे डीप इंटीग्रेटेड UI जो होता है, जैसे कि Xiaomi के MI के स्मार्टफोन्स में आपने देखा होगा, उस तरीके का आपको इसमें UI देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। इसमें आपको एंड्रॉइड एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलने वाला है और नोकिया की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होने वाली है। इसके साथ इसमें आपको इस स्मार्टफोन में जो मेटल की जो फ्रेम है वो आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे चैनल को दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा, जिससे कि आप हमारे जो भी वीडियो लेटेस्ट अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन से अपडेट होते रहे। मैं हूं सुमित, जल्दी मिलूंगा इसी तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगले वीडियो में आपसे। टेक केयर फॉर यू से।